This is the last call for passengers boarding flight SA352. All passengers are requested to proceed to gate 14A. Thank you. No. I know I asked for that, but they couldn't give it to me. This is your seat, ma'am. 4A. How can they do this to me? I asked for a window seat. How can they give me an aisle seat? Oh, I'm terribly sorry, ma'am. But the flight is empty. We only have 2 passengers in first class, so feel free to choose your own seat. Hang this. Choose. 14 to kul seatein hain. 14 bhi nahi de raha hai. Maruti 800 se bhi bura hai. So cramped. You won't believe this, yeah. It's really bad. फर्क सिर्फ इतना है कि मारुति 800 उड़ती नहीं है. Yeah, I know. एयरलाइन से जाना ही नहीं चाहिए यार. Yeah, I know. Of course. Back. मुश्किल से एक सीट मिल रही है. Bye. Excuse me. आप अपनी सीट पर जाकर बैठेंगे? Actually, यही मेरी सीट है. 3D. Thank you. आप वहाँ बैठे थे ना? हाँ. और अब मैं यहाँ बैठा हूँ. Isn't that amazing? Whatever. सीट बेल्ट का साइन ऑन हो गया. पायलट अंकल बड़े नाराज हो जाएंगे. एक बार प्लेन को उड़ने दीजिए, उसके बाद अगर आपको मेरी बात पसंद ना आए तो बेशक इकोनॉमी में जाके बैठिए. कोहात में जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है. रहने दे अभी सागरों मीना मेरे आगे. जी शेर है तो आप शायर हैं. शिकारी तो आप यहाँ बैठकर शिकार करेंगे? जी नहीं, फिलहाल यहाँ बैठकर सिर्फ शायरी की जा सकती है. शिकार तो करने आया था मैं यहाँ पे केप टाउन. आपका नाम क्या है? धनंजय झुंबेवलकर. जी एग्जैक्टली. यही एक्सप्रेशन मेरी माँ के फेस के ऊपर था जब मेरे पूज्य पिताजी ने मेरी माँ को बताया कि उन्होंने मेरा नाम तय कर लिया. अब मेरी माँ भी कमाल की चीज है, मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बना देती है. I take after her. उसने धनंजय झुंबेवलकर को छोटा करके टीचे बना दिया. You know, टीचे, short, sweet, simple. तो धनंजय झुंबेवलकर सिर्फ एक ही आदमी मुझे बुलाता है और वो है मेरे पिताजी. लेकिन अगर आप चाहो तो आप दूसरी बन सकती हो. मुझे कोई एतराज नहीं होगा. वैसे आपका नाम आपके चेहरे के ऊपर लिखा है, रिया. आपका कोई नाम हो ही नहीं सकता. बहुत प्यारा सा नाम है. आपके हैंडबैग पे दिखाई दे. यार अब ना वो समझे ना समझेंगे मेरी बात, दे और ना दिलन को तो दे मुझको सबा. शेर, another one. Yeah. Don't bother. वैसे भी आजकल शेर कहाँ समझ में आता है किसी को. True. वैसे भी शेर समझने वाली चीज नहीं, डर के भागने वाली चीज होती है. आपको लॉन्ग जर्नीज में क्या पसंद है? चुप रहना, बात करना या बातें सुनना? चुप रहकर बातें सुनना. इतनी लंबी तो आज तक मैंने भी कभी नहीं सुनाई. कहानी सुनोगे? डायमंड्स की कहानी, 200 कैरेट की. 200 कैरेट की डायमंड? साउंड्स इंटरेस्टिंग. ऑलराइट. 1836 की बात. आपकी आवाज को क्या हुआ? पानी मंगाओ. एक्सक्यूज मी. ये कहानी का एक कैरेक्टर है. क्या ना कि पुराने जमाने की कहानियां इसी आवाज में अच्छी लगती है. ओके. तो 1836 की बात, साउथ इंडिया के डेक्कन रीजन में एक किसान को एक हीरा. ऐसा हीरा आज तक किसी ने नहीं देखा, 200 कैरेट का हीरा. किसान ने वो हीरा अपने राजा को दे दिया और राजा ने वो हीरा एक अंग्रेज वाइसरॉय को. जब हिंदुस्तान से वो हीरा इंग्लैंड जा रहा था तब अंग्रेजी सरकार का जहाज एक समुद्री तूफान में टूट गया.
ठीक 100 साल बाद ऑस्ट्रिया में एक मछुआरे को वो हीरा फिर से मिला। मछुआरे से वो हीरा राजा ने लेकर उसके 3 टुकड़े किए और अपने 3 बेटों में बांट दिए। पहला बेटा हीरा जुए में आ गया, दूसरे से एक आर्मी ऑफिसर ने वो हीरा छीन लिया और तीसरे बेटे की तो एक स्मगलर ने हत्या कर दी उसी हीरे के लिए। फिर 1994 में इसमें से 2 हीरे फिर से बेल्जियम की एक म्यूजियम में, जहां अंकल नाम के एक आदमी ने वो हीरे लूट लिए। आज से 10 दिन पहले तक वो आखिरी हीरा गायब था, लेकिन 10 दिन पहले वो हीरा फिर से सामने आ गया। केप टाउन में बिजनेसमैन ने वो हीरा अपने बेटे को दे दिया। बिकरा राहुल मारा पछिया तारो छे। प्लीज बाबा मने नथी जोतू, आप अनमति छे।